पहली ट्रेन 3 मई को शुरू हुई, तब से खिदमत चल रहे हैं। एक सारी ग्रुप बहुत काम कर रही है और लगातार रोज़ाना 4 ट्रेन के लिए एक रोटी, खजूर और पिकल पैक होते हैं। 1 मिलियन रोटीज़ अभी तक बसंगुड़ी की जो टीम पैकिंग करती है वो पैक करती है, फिर उसको रेलवे स्टेशन भेजा जाता है, फिर रेलवे स्टेशन से वॉलंटियर्स जो पैसेंजर्स हैं उन तक भी ये पहुंचाते हैं। तो ये पूरा साइकिल है जो 24/7 चलता है और ये लगातार ये 23वां दिन है और हमने 1 मिलियन रोटीज़ भी क्रॉस किए हैं। और इसकी इमदाद अजीम प्रेम जी दी, APPI अजीम प्रेम जी इनिशिएटिव जो है उनके द्वारा भी हो रहा है। हमारी खुशी से बड़ी नहीं है, ये जो मजदूर इतनी तकलीफ उठा रहे हैं इनकी खिदमत करना ही हमारी खुशी है, इनकी खिदमत करना हमारी खुशी है। आज जो हालात में गुजर रहे हैं लोग तो हम देखकर कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकते। गवर्नमेंट का उतना ज़्यादा तावन नहीं है, पब्लिक भी कर रही है, हम जितने NGO मिक्स होके कर रहे हैं और एक दो NGO इसमें नहीं है, तकरीबन 15-20 NGO मिक्स करके कर रहे हैं। और इसमें हम लोग कोई फ्रूट दे रहा है, कोई बिस्किट दे रहा है, कोई चप्पल दे रहा है, कोई पैंपर दे रहा है, ये सब हम मिलके दे रहे हैं और डेली दे रहे हैं, हम एक दिन भी नागाम बगैर। और हम लोग ईद छोड़ के हमको इससे ज़्यादा ये बेहतर दिखता है ये काम करना, तो एक सोर्स है। इसी तरह बहुत सारे दूसरे इदारे भी हैं जो इसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, जैसे सैनिटाइज़र हो, थोड़े बहुत इदारे फुटवेयर के आए हैं, थोड़े बहुत इदारे लेडीज़ के लिए सैनिटाइजिंग पैड्स जो है वो सब कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं। और एक तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ना, ये तो फ्रंट सीन है, इसके बैकग्राउंड में जो सीन होता है, कल चांद रात थी फिर भी सारे वॉलंटियर्स ने एवरी डे 50,000 रोटी के पैकेट जो आते हैं उसको सब पैकेट्स में पैक करता है, तो सारी रात ये काम चलता है इसका। उसके बाद में रेस्पेक्टिव स्टेशन पर जाते हैं, देन उसके बाद में यहाँ की टीम जो है यहाँ पे आके ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। तो इसी तरह बैकग्राउंड हीरोज़ बहुत सारे हैं, तो ये सब मुकम्मल इसीलिए हुआ कि बहुत सारे इदारों ने जुड़कर ये एक मर्सी मिशन कैंपेन के अंदर काम कर रहे हैं और साथ ही साथ में इतने सारे वॉलंटियर्स जो हैं आगे बढ़कर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उनकी प्रायोरिटी ना तो ईद की शॉपिंग थी, उनकी प्रायोरिटी ना तो सिर्फ कुछ और वगैरह बाहर इफ्तार हो ये जाने का था, उनकी प्रायोरिटी सिर्फ आकर जितना हो सके उतना माइग्रेंट्स के लिए जितना हम लोग काम कर सकें, ये वन ऑफ द वर्टिकल है। जैसा मज़ा मैंने बताया था, हम लोग 4-5 वर्टिकल्स में काम कर रहे हैं, मर्सी किचन है, इसी तरह मर्सी एंजल्स हैं, तो इस हिसाब से काम चल रहा है। लड़के झगड़ के भी आए हैं थोड़े बहुत लोगों की खिदमत ये हम हैं। और आज ईद की खुशी असल दूसरों से बांटने की है, दूसरों की मदद करने में, दूसरों के साथ खुशियाँ बांटने में ईद का असल खुशी है वो ले रहे हैं। ना सिर्फ खाना पानी चप्पल दे रहे हैं, माशाल्लाह मर्सी मशीन से अनअकाउंटेबल खाना खिलाए और फिगर ही नहीं है इन्फिनिट। और उसके अलावा मेटर्निटी भी देखे, कई डिलीवरीज भी करवाए, हेल्प करा एम्बुलेंस से, मेडिकल हॉस्पिटल की फीस से, और उसके अलावा मैयतों में भी मदद की, कोविड और नॉन कोविडों में भी मैयत दफनाने में मदद की मर्सी मशीन से वॉलंटियर, दवाइयाँ दिलाई, गैस सिलेंडर से मदद की। ऐसा खल्क का खिदमत हुआ जिसका हिसाब ही नहीं दे सकते, और फुल फ्रंट फुट पे कम्युनिटी ने काम किया है। आगे आके कोविड लॉकडाउन का कोई एहसास नहीं करते हुए आगे आके काम करें। शुक्रिया।